थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे हम इस जेनरेशन के तो यहाँ यह पे सोच लो जेनरेशन वन ये थोड़े से ओल्ड वन है क्योंकि ये अभी चल रहे अभी कमिंग टाइम पे न्यू जेनरेशन आएंगे तो जेनरेशन टू ये न्यू है तो न्यू जेनरेशन का जो भी नीड है उसको अगर फुलफिल करना है बचपन में पढ़ते थे ना तो रीनूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी था उसको क्यों बचाना है बिकॉज फ्यूचर में जो जनरेशन आएगा वो यूज कर सके इसलिए बचाना है राइट तो वैसे ही यहाँ पे उसी का ही पॉइंट लिखा गया कि इनका जो नीड है जनरेशन टू और न्यू जनरेशन का जो नीड है उसको अगर फुलफिल करना चाहते हो तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि नहीं ओल्ड जनरेशन को कम देते न्यू को ज्यादा देंगे ऐसा नहीं है इसको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करवाना है जितना चाहिए इसको भी देंगे बाकी इसका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी नीड्स है उसको हम इंक्रीज करेंगे डे बाई डे सो दैट न्यू जेनरेशन को सब कुछ मिले सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्वल ग्रोथ इक्वल ग्रोथ तो इक्वल ग्रोथ कब होगा जब सारी चीज इक्वल में मिलता है सबको सेम मिलते हो सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड एज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जेनरेशन अभी का जो जेनरेशन है उसके नीड्स को आप सेटिस्फाई भी कर रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जेनरेशन जो कमिंग जेनरेशन आएंगे उसको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है उनको भी फुल मिलेंगे इनको भी फुल मिलेंगे सबको सेम मिलेगा ठीक है वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज क्या है मीटिंग द नीड्स मीटिंग मतलब फिर से चेक uh, करना है कि हमारे पास इतनी सारी चीज है कि नहीं मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स ठीक है फ्यूचर जनरेशन को जो चाहिए और अभी हमें जो चाहिए दोनों का ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं करेगा फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अभी का जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यहाँ पे एक डेफिनेशन देंगे दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय किसने दिया ऊपर का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा ना किसने दिया डेफिनेशन वॉज गिवन बाय पे देखो ये नाइजेरियन uh, नहीं है सॉरी नॉर्वेजियन तो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर है सो so, नॉर्वे जो हम लोग बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा आई थिंक तो नॉर्वेजियन बोला गया है इन क्योंकि गियन तो होगा नहीं नॉर्वे तो होगा नहीं नॉर्वेजियन तो ही होगा तो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जी एच ब्रूटलैंड डी प्रनाउंस नहीं करोगे ठीक है ब्रूडलैंड ठीक है एन एंड डी रहता है बस वो प्रोनाउंस नहीं होता ब्रूडलैंड होता है एंड डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं हु ब्रूटलैंड द डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ दैट इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तीन पॉइंट पे काम करता है क्या है इकोनॉमिक एनवायरमेंट ठीक है एंड नेचुरल रिसोर्सेस इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया तो हेल्थ के ऊपर सारे पॉइंट्स में आ जाएंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जो है या नॉर्वेजियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी एच ब्रोडलैंड है तो उन्होंने ये अब डेफिनेशन दिया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस होता है टू तो फुलफिल और टू मीट द और टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स ठीक है यहाँ पे एक डायग्राम है देख लो फटाफट से डायग्राम देखो उसके बाद पॉइंट बताओगे यहाँ पे क्या डायग्राम है हम जैसे भैन डायग्राम बनाते हैं ना वैसे ही है तीन सर्कल्स हैं ठीक है ठीके? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं देखो ठीक है बीच में क्या पॉइंट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बीच में पॉइंट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला क्या पॉइंट है एनवायरमेंटल दूसरा क्या पॉइंट है देखो इकोनॉमिक तीसरा क्या पॉइंट है सोशियल ठीक है सो देखो इकोनॉमिक जो पॉइंट है ये है सफिशियंट इकोनॉमिक पैसे के ऊपर आया सोशियल क्या है नर्चरिटी अच्छा सोसाइटी में हम लोग रहते हैं कम्युनिटी नर्चरिटी हमें क्या चाहिए पोषण चाहिए नर्चर नर्चर करना है तो खुद को या फिर खुद को ग्रो करवाना है तो नर्चरिटी एंड कम्युनिटी ऊपर क्या लिखा है अवेलेबल नेचुरल इन्वायरमेंट तो अभी क्या हो रहा है ना जब हमें वाटर नहीं मिलता है तो हम वाटर को क्रिएट कर देते हैं Uh, हमारे पास हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है उसको मिक्स कर लो वाटर बन जाएगा है ना अगर हमारे पास खाना नहीं है तो खाना को हम जस्ट uh, लाइक like होता है ना एस्ट्रो एस्ट्रोनॉट्स uh, जो रहते हैं वो जब जाते हैं तो उनको खाना नहीं मिलता तो कैप्सूल जैसा मिलता है जैसे उनको भूख ना लगे ठीक है uh, तो वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के सप्लीमेंट्स uh, आ गए हैं खाना नहीं खाना है तो प्रोटीन ले लो ऐसा चीज भी है तो ये सारा जो चीज़ है ना ये आर्टिफिशियल है इसको हमने बनाया है दैट मीन्स मैन मेड है ह्यूमन मेड है ठीक है बट नेचुरल एनवायरमेंट कितना है उसी को ही हम एनवायरमेंटल पॉइंट पे रखेंगे ये हो गया इकोनॉमिक ये हो गया एनवाइ ये हो गया कम्युनिटी एंड अभी देखो यहाँ पे तीनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा और भी तीन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अभी देखो मैं दूसरे कलर में आपको शो करती हूँ क्या है ये जो पॉइंट है देखो इतना जो पॉइंट है ठीक है ना ये पॉइंट में क्या लिखा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या है इस पॉइंट में क्या मिले सस्टेनेबल नेचुरल नेचुरल एंड एंड बिल्ट बिल्ट ये क्या मिला सस्टेनेबल सोशल एनवाइट सस्टेनेबल सोशल एनवायरमेंट देखो सोसाइटी यहाँ पे लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग सोशल एनवायरमेंट इकोनॉमिक यहाँ पे लिखा गया उसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे एनवायरमेंट लिखे थे तो सस्टेनेबल नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरमेंट ये बीच में आ गया सबका कॉम्बिनेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है 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 इसका ना तीन है. अभी पढ़ ना तीन तीन पार्ट पार्ट अभी पढ़ क्या फर्स्ट इकोनॉमिक सेकंड एनवायरमेंट थर्ड सोशियल थर्ड क्या है सोशियल सो इकोनॉमिक मतलब दैट इज नीड फॉर ग्रोथ ये क्यों चाहिए इकोनॉमिक सफिशियंसी uh, क्यों चाहिए सफिशियंट इकोनॉमिक क्यों चाहिए ग्रोथ के लिए वेलफेयर के लिए ठीक है एनवायरमेंट वी नीड टू मीट विद द एनवायरमेंटल डैमेज उसको कैसे कम कर सकते हैं दैट इज टू रिड्यूज एनवायरमेंटल डैमेज पॉल्यूशन एडजस्टेशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्सेस को हम अनडाउेडली क्या करें ज्यादा ज्यादा खत्म करें तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें इसके बारे में एंड सोशल में क्या होगा ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी के ऊपर सोसाइटी में जब रहते हो एक दूसरे के साथ मिल के रहना है जब मिलते नहीं है तो लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या जाता है इक्वलनेस दिया जाता है इक्विटी की आपको सब कुछ मिलजुल करना है इक्वली करना है तो ये हो गया तीन पॉइंट जो कि आप नीचे नीचे लिख देना बिकॉज साइड में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ठीक है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आया किसने किया क्या किया ठीक है So, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 1987 देखो मैं पूरा हिस्ट्री दे रही हूँ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक वर्ल्ड कमीशन बैठा 1987 1988 देख लो 1988 में क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट देखो ये पहला था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवाइ एंड डेवलपमेंट ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेम है बट वहां पे वर्ल्ड कमीशन लिखना है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लिखना है हो गया नेक्स्ट पॉइंट चलो 1990 1990 में क्या हुआ 1990 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन

इंस्टीट्यूशन आपका World, sorry, World आपका वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी कमीशन बना नेक्स्ट 1988 में में uh, इंटरनेशनल 1990 दो साल के बाद बना जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट दिया कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया गया रिपोर्ट आया मतलब करना है, 1992 में हुआ, 1993 में, approach, एक अप्रोच क्रिएट किया गया ऑक्सफर्म एम्प्लॉय एम्प्लॉय employees, employees है एम्प्लॉय मतलब इम्प्लीकेशन like impli, uh, हुआ या फिर उसको स्टार्ट किया गया क्रिएट किया गया अभी 1994 में अभी केयर लेंगे इतना सारा चीज हो गया ना केयर करना है ठीक है केयर एडॉप्ट हाउस होल्ड लिवलीहुड सिक्योरिटी एज ए फ्रेमवर्क रिलीफ एंड डेवलपमेंट रिलीफ एंड डेवलपमेंट मतलब रेस्क्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग देख सकते हो ठीक है देन नाइनटीन नाइनटी फाइव में अगेन यूएन ने क्या किया वर्ल्ड सबमीट क्रिएट किया वर्ल्ड सबमीट ठीक है बहुत सारे समिट होते हैं एम MHM, एच uh, एम सबमिट होता है एम एच एस सबमिट होता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं फिर तो एक सबमिट आया एंड सबमिट में क्या, -क्या गया? किया गया यू एन डी पी ने एडॉप्ट किया एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड एज वन ऑफ टॉप फाइव प्रायोरिटीज मतलब एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एंड आपको सस्टेनेबली ग्रोथ करना है मतलब इक्वली ग्रोथ करना है सबको देखते हुए ग्रो करना है उनको भी देना है खुद को भी लेना है तो ऐसे चीज़ों को हम टॉप फाइव प्रायोरिटीज में जगह देंगे नाइनटीन नाइनटी सिक्स में डी आई डी डी एफ आई डी ने क्या किया ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये काम कर रहा है कि इन्होंने सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रोजेक्ट क्रिएट किया लास्ट 1997 में न्यू लेबर पब्लिश व्हाइट पेपर ऑन एन इंटरनेशनल लेवल अभी वाइट पेपर मतलब खाली पेपर नहीं होता वाइट पेपर एक मैगजीन था आर्टिकल था जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है उसके बारे में प्रोजेक्ट निकाला गया था तो ये पूरा हिस्ट्री है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ठीक है इकोनॉमिक पिलर देखो यहाँ पे तीन पिलर के ऊपर जो पॉइंट नहीं है डेट डेट इराडिकेशन मतलब जो चीज नहीं चाहिए और जो चीज चाहिए जो चीज चाहिए उसको डेवलप करो जो चीज नहीं चाहिए उसको खत्म करो पुटिंग प्लेस मैकेजमी वन गेट्स अभी देखो सही सही जगह में सही को यूज करना। जही मतलब जहां पे नहीं चाहिए जहाँ जो चीज नहीं चाहिए वहां पे अगर यूज करते रहे तो वो चीज तो खत्म हो जाएगा ना जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल आप लोग अगर कहीं पास में जा रहे चल के चले जाओ या साइकिल ले लो बट आजकल के लोगों को साइकिल चलाना क्या लगता है जैसा लाइक like उसको हंसी आता है कि नेक्स्ट साइकिल चलाएंगे हमारे रेस्पेक्ट चला जाएगा तो ये जो थिंकिंग है इसको चेंज करके अगर हम लोग पास के एरिया के लिए यूज कर लेते हैं या चल के भी चले जाते हैं तो यह आपका हेल्थ का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा एंड इससे पेट्रोल डीजल भी बचेगा जो कि एक आप बोल सकते हो इसको एक बार अगर पूरा खत्म हो जाए आप कितना रिन्यू कर सकते हो रिन्यू करने के लिए भी इसको टाइम लगता है तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आ जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करना है ठीक जगह पर ठीक अमाउंट में यूज करना दैट ये जितना भी चीजें हैं दैट कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज डू नॉट यूज अप एंड पुट ए स्ट्रेन ऑन द एन्मेंट मतलब यहाँ पे बोला गया जितना भी सॉरी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट्स हैं अगर सही से यूज करें तो ओके है अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा स्ट्रेस डाला जा रहा है प्रेशर डाला जा रहा है एनवायरमेंट के ऊपर ठीक है उसको बंद करना है देखो इन टू ठीक है ये पॉइंट अच्छा से समझना ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया ठीक है हिस्ट्री बता दिया वो पॉइंट के बाद अभी आ जाओ इन टू थाउजेंड फिफ्टीन दन नाइन्टी थ्री कंट्रीज कितने थर्टी एजेंडा क्या बनाया गया एक एजेंडा बनाया गया किसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 2015 में बनाया गया था कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में करके कर रहेंगे ठीक है द हिस्टोरिक एजेंडा लेज आउट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस हिस्टोरिक एजेंडा में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास के 17 लक्ष्य या हम बोल सकते हैं उद्देश्य को मेंशन किया गया था गोल्स को लिखा गया था लक्ष्य होगा उद्देश्य नहीं होगा लक्ष्य होगा लक्ष्य को लिखा गया था ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम एस बोलते हैं एंड ये क्यों था डिग्निटी के लिए पीस के लिए शांतिपूर्वक हो प्रॉस्पेरिटी सबका डेवलपमेंट हो फॉर द प्लैनेट एंड ह्यूमन काइंड सारे लोगों का एंड प्लेनेट का भी उन्नति हो ठीक है ये कितना मतलब कौन से ईयर तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्वेंटी थर्टी ठीक है टू बी कंप्लीटेड वाई दर ट्वेंटी थर्टी द एजेंडा टारगेट क्या टारगेट कर रहा है टारगेट मल्टीपल एरिया मल्टीपल एरिया में ये वर्क करेगा ठीक है जस्ट लाइक पोवर्टी सैनिटेशन और जस्ट लाइक लोकल इकोनॉमिक्स में अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे हेल्प करें लोगों का जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल करें इसके ऊपर अभी इन शॉर्ट हम सत्रह गोल्स को पढ़ेंगे ठीक है सत्रह गोल्स अभी आपने माइंड में रीड करते जाओ माइंड में रिपीट करना मैं डबल डबल टाइम्स समझाऊंगी आपको रिपीट करते चलो माइंड में फिक्स करते रहना गोल वन सोच लो एक, -एक पर्सन का एक एक नाम है ठीक है एक एक पर्सन का एक एक नाम है तो गोल वन क्या है नो no पोवर्टी क्या है नो no पोवर्टी तो क्या करना है नो no पोवर्टी मतलब गरीबी को हटाना है ठीक है एंड पोवर्टी इन ऑल इट्स फ्रॉम एवरीवेयर ठीक है हर एक जगह से हर एक लोगों से इसको हटाओ गरीबी हटाओ ठीक है गरीबी हो गया गोल वन कंप्लीट पोवर्टी नहीं चाहिए नंबर टू अच्छा पोवर्टी के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता गरीब है मतलब भूख तो लगता है अभी भूख मतलब दारिद्रता तो हट गया अभी भूख को भी हटाना है मतलब नो हंगर जीरो हंगर मतलब सबको खाना मिले सबको खाना मिले मतलब एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी सबको सेम अमाउंट में खाना मिलना चाहिए जितने भी लोग हैं वो इनकम करें ना करें उनको भूखे नहीं रहना है उनको खाना चाहिए ये होता है न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो गया जीरो हंगर नंबर 2 खत्म नंबर हंगर no अभी नंबर थ्री पे आते हैं नंबर थ्री गोल थ्री क्या है गुड हेल्थ एंड वेलविंग गुड हेल्थ सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए तब क्या मिलेगा हेल्दी लाइफ से 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 क्या से है। क्या क्या मिलेगा? देखो, सबको अच्छे रखना है। है? हम क्या है? हम आजकल करते करते हैं? हैं, हैं। सब सब कुछ खाते सब कुछ खाते इसलिए कभी किडनी स्टोन हो जाता है कभी गर्ल्फ ब्रडर को हटाना पड़ता है कभी हमें आ, सांस में प्रॉब्लम आता है या वेट इंक्रीज होता है कितना कुछ प्रॉब्लम है है ना अगर हेल्दी लाइफ आपको मिल जाए तो ये कैसे करना है एवरी एज के जो भी लोग हैं सबको हेल्दी लाइफ मिलना चाहिए सबको ए टू जेड सारे लोगों को मिलना चाहिए नंबर फोर क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जानते हो इंक्लूसिव इंक्लूड करना सारे लोगों को इंक्लूड करना दैट मीनस दैट मै बी हैंडीकैप्ड वन और नॉर्मल एक गर्ल चाइल्ड ट्रांसजेंडर सबको इंक्लूड करना है एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑपरचुनिटीज फॉर ऑल सबको देना है एजुकेशनलिटीजेशन मिले चार पॉइंट हो गया पहला क्या था नो no पॉवर्टी दूसरा क्या आया जीरो हंगर तीसरा क्या आया गुड हेल्थ वेलबींग फोर्थ चौथा क्या आया क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हो गया पांचवा चलते हैं सबसे अच्छा पॉइंट आ गया जेंडर इक्वालिटी तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग के जो भी इक्वलनेस है मतलब लिंग में हम भेदाफेद नहीं करेंगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी थिंक दैट ऑल आर इक्वल एंड एम्पायर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स हो गया नंबर सिक्स देखो ये जो ऊपर पॉइंट था फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं देखो रटवाने के लिए मैं सब कुछ ये करती हूँ पहला पॉइंट था नो पॉवर्टी दूसरा पॉइंट आया जीरो हंगर तीसरा पॉइंट आया गुड हेल्थ एंड वेलविंग फोर्थ क्या पॉइंट था क्वालिटी एजुकेशन फिफ्थ क्या पॉइंट आया जेंडर इक्वालिटी हो गया पांच चला गया सिक्स वन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब आपको अवेलेबल करवाया जाएगा अच्छा पानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक आ, मतलब पॉइंट होता है वाटर मतलब वाटर सप्लाई सबके पास होगा सैनिटेशन सबके पास होगा इसलिए हर जगह पे क्या बनाया जा रहा है अभी छोटे छोटे से जैसे सुलभ शौचालय ओके तो सुलभ शौचालय एंड घर पे भी गांव की तरफ मेंशन किया जाता है इंदिरा निवास नवीन निवास बहुत जगह पे बन रहा है ठीक है ये सारे हैं देन देखो गोल सेवन हो गया छे तक हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन खत्म पाँच तक ग्यारह था जेंडर इक्वालिटी सिक्स में आया आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सेवन पॉइंट एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी देखो एक के बाद एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करें एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एनर्जी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आएगा या डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हो सकते हैं जिसको आप रिन्यू कर सकते हो रिलायबल हो सब खरीद सकते हैं सोलर एनर्जी हो सकता है या फिर वाटर एनर्जी हो सकता है विंड एनर्जी हो सकता है कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है जो ईजिली सबके पास जा सके पहुँच सके वो एनर्जी ठीक है नंबर एट नंबर सेवन तक खत्म सात खत्म हो गया लेके आओ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क फॉर ऑल सबके लिए अच्छे काम हो गंदे काम किसी को करना ना पड़े एंड सबको पेमेंट मिले सबका इकोनॉमिक ग्रोथ हो ठीक है ना सबके लिए है जितने भी लोग हैं नंबर नाइन पे आ गए देखो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तीन आई आया दैट इज कॉल्ड अभी वो IQ नहीं है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम क्या करेंगे इंडस्ट्रीज जो भी वर्क है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करेंगे प्रोमोट इंक्लूसिव वो तो चलेगा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इनोवेटिव आइडियाज को लाएंगे इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से फिर से आ जाओ क्या था नो प्रोपर्टी जीरो हंगर देन गुड हेल्थ एंड वेलबींगिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी सेवेंथ पॉइंट पे गुड एनर्जी uh, uh, जो था ना आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और गुड एनर्जी देन आपका आया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड नाइन्थ पे तीन आईक्यू था दी इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया नंबर टेन रिड्यूस्ड इन अच्छा सा छोटा सा पॉइंट है रिड्यूस इन इक्वालिटी हटाना है सबको सेम करना है मतलब पूरे कंट्रीज में ये करना है ठीक है इलेवन पॉइंट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज देखो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज सबको इक्वलनेस दे दो सबको इक्वलनेस दे दो ह्यूमन सेटलमेंट्स कर दो इंक्लूसिव हो जो भी हो सबको इंक्लूड करो सबको सेफ लाइफ दो सबको सस्टेनेबल बना दो ठीक है सिटीज में शहर में और कम्युनिटीज में सारे धर्म में एक जैसा कर दो

जब भी क्लाइमेट चेंज हो एंड उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है जैसा लाइक सुनामी आ गया साइक्लोन आ गया टाइफोन आ गया जो भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हार्मुल एक्टिविटीज होते हैं या फिर हार्मफुल इम्पैक्ट आता है तो उसके लिए सडनली हमें क्या करना पड़ता है एक्शन लेना पड़ेगा टेक नेसेसरी एक्शन लाइट बिलो वाटर मतलब पानी के नीचे ओसन और सीज और मेराइन जो इको सिस्टम्स है इको सिस्टम्स है जो कि पानी के अंदर हैं उनको कैसे हम अच्छे से रख सके क्योंकि वो भी एक मेजर पार्ट है हमारे वर्ल्ड का ठीक है लाइव बिलो वाटर अभी देखो फा फिफ्टीन सॉरी लाइव ऑन लैंड हो गया ना लाइफ ऑन वाटर अंडर वाटर सॉरी लाइफ अंडर वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड तो ये हो गया आपके लैंड में टेरिटोरी सिस्टम्स में टेरेस्ट्रियल इसको बोल सकते हैं ज़मीन के ऊपर तो जमीन के ऊपर जैसे फॉरेस्ट है डेजर्ट है तो डेजर्ट्स में क्या होते हैं जस्ट लाइक वहाँ पे अगर आप क्या करते हो पेड़ नहीं लगाओगे तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा अभी कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे पेड़ नहीं होते वो बंजर बन जाता है उसमें फ्लड नहीं हुआ या फ्लड होते हैं तो वो भी बंजर बन जाता है दैट मीन्स होता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी आने से भी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं तो बहुत सारा है लैंड डिग्रेडेशन अर्थ क्वैग Biodiversity, loss. जैसे कि एक जगह से बहुत सारे एनिमल्स धीरे 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 खत्म हो जा रहे हैं टाइगर जैसे अभी टाइगर चल रहे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है टाइगर तो हमारे से सारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वर्क चल रहा है बहुत तो कुछ चल रहा है इसके लिए ठीक है तो लाइफ ऑन लैंड प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड promote सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ terrestrial ecosystem. यहाँ यहां तक भी लिख दोगे ना तो हो जाएगा नंबर सिक्सटीन में चलते हैं पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन देखो पीस शांतिपूर्वक हो जस्टिस सबको लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ मिले जस्टिस मिले एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यू सॉरी इंस्टीट्यूशन दैट मीनस जो भी आप बिल्ड कर रहे हो वो स्ट्रांगली बिल्ड होना चाहिए कनेक्शन डेवलपमेंट जो इफेक्टिव वे में सबके यूज में आए ऐसा चीज बिल्ड करो एंड ये मे बी आप बोल सकते inclusive institutions build हो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो सबके लेवल्स में यूज हो सकता है इंक्लूसिव क्या होता है ना जहाँ पे हम सबको एक साथ ला सकते हैं एक साथ पढ़ा सकते हैं एक साथ वर्क कर सकते हैं अभी लास्ट आ गए आपका कंक्लूजन भी है ठीक है तो यहाँ पे पार्टनरशिप टू अचीव द गोल अभी देखो ग्लोबल बोला गया था इससे पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ाए तो ग्लोबल बोला गया है तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है जब हम लोग एक साथ मिलकर काम करते तो strength है, हैं तो स्ट्रेंथ मिलता है स्ट्रेंदन होते हम तो स्ट्रेंदन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करना है एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम करना है आपने यूज किया क्लीन एनर्जी क्लीन वाटर सैनिटेशन क्वालिटी एजुकेशन इन इक्वालिटी रिड्यूस इन इक्वालिटी देन पीस जस्टिस यहाँ पे था आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये हो गया ये हो गया क्लाइमेट एक्शन रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड लास्ट पॉइंट आपका जो आया पार्टनरशिप टू अचीव द गोल तो ये सत्रह पॉइंट है के बाद एक देखो तो बहुत अच्छा लगेगा एंड uh, ये सत्रह गोल्स को फुलफिल करना है टू थाउजेंड थर्टी के अंदर ठीक है तो एस डी

पार्ट part है पार्टिसिपेशन बोल रही बोलियो पार्ट है एंड उसी के साथ ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है वि बिगन इन दयर टू थाउजेंड एट मिलेनियम जो प्रोग्राम था ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स था तो ये टू थाउजेंड में स्टार्ट हुआ था टू थाउजेंड फिफ्टीन में ख़त्म हो गया इसलिए टू थाउजेंड फिफ्टीन में मोडिफाई uh, करके उसको निकाला गया डिस्कवर किया गया एस डी जी एस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एंड एम डी जी एस में क्या क्या किया गया ना वन बिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ठीक है जितने भी बिलियन पीपल्स हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाले गए कॉम्बेड हंगर्स मतलब जो बोलते हैं ना भूखमरी में मर जाना वैसे उससे बचाया गया अलाउ मोर गर्ल्स टू तो अटेंड स्कूल स्कूल्स में भेजा गया जितने भी है ना स्पेसिफिकली गोल सेवन हेल्प टू तो प्रोटेक्ट एंड प्लान इसका एम में अगर देखोगे उसके एट गोल्स uh, थे, बट उसमें से सेवेंथ वाला वाला जो गोल था सातवा उसमें मेंशन था कि कैसे हम ग्लोबल कंजप्शन को ग्लोबल कंजप्शन को एलिमिनेट करें जैसे कि होता है ना आप लोग फ्रीज डे बाय डे बहुत यूज कर रहे ए सी फ्रीज हम गर्म सहने पाते तो इससे क्या होता है और ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर ठीक है ना अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन एंड जिसके वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बहुत सारा लैंड खराब हो रहा है कोस्टल मेरिया सॉरी मराइन एरियाज खराब हो रहे हैं एंड ओवर दी वर्ल्ड अगर देखोगे बहुत सारे जो पॉपुलेशन है एनिमल्स के प्लांट्स के सब कुछ खराब हो रहे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो ये चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने का इसका प्लानिंग था हो गया कंक्लूजन क्या दोगे आपको जितना अच्छा लग रहा है वो कंक्लूजन दे सकते हो अपने हिसाब से भी सो वी हैव ओनली वन अर्थ हमारे पास एक ही अर्थ है है ना अभी बोलोगे नहीं मैम बहुत सारे निकल गए हैं बट डिस्कवर नहीं हुआ है अर्थ एक ही है अभी जहाँ पे हम रह रहे एंड इफ वी डिस्ट्रॉय इट अगर हम इसको भी बर्बाद कर दें बाय आवर एक्शन हमारे एक्शन के थ्रू आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशन जो हमारे बच्चे आएंगे और फ्यूचर जनरेशन आएंगे विल नॉट हैव ए प्लेस टू लिव हैप्पीली उनके लिए जगह नहीं होगा कि हैप्पीली वो रह सके यहाँ पे हैप्पीली कर देना हैप्पी लिखा है हैप्पीली एंड प्रोस्परस वे में वो लाइफ जी, जी सके ये नहीं हो पाएगा उनके लिए अर्थ नहीं मिलेगा इवन वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स हम हमें फेस करना पड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अनसुइटेबिलिटी को इस अर्थ में सो प्लीज़ थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जेनरेशन एंड मेंटेन एनवायरमेंटल एथिक्स जो एथिक्स है लॉ है रेगुलेशन है उसको मानो रूल को मानो एंड उसके हिसाब से कंज्यूम करो सारी चीज़ों को उसके हिसाब से कंज्यूम करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी करना सीखो तब जाके फ्यूचर जनरेशन हमारे जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे सो so, ये है पॉइंट आपका सस्टेनेबल डेवलप